सब पीपल। तो दोस्तों आज का दिन है वो काफी अच्छा दिन है और अपना सब्सक्राइबर्स है वो 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने चैनल पे। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। आई होप दोस्तों आप मुझे आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहोगे। अभी हमारे 50,000 है, जल्द हमारे 1,00,000 हो जाएंगे हम, ताकि सिल्वर प्ले बटन हम पा सके। तो आपकी सपोर्ट की मेरे को काफी बहुत जरूरत है, आप सपोर्ट करिए। सिंपल सा दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल ऑयल रेडिएटर। तो ये ऑयल रेडिएटर है, ये किस काम आता है? ये अपना इंजन के अंदर जो बनने वाली गर्मीज होती है उसको बाहर निकालता है, क्योंकि अपने इंजन के अंदर कोई होल्स नहीं होता ताकि इंजन की जो गर्मी है वो बाहर निकले। तो इसको लगाने का भी दोस्तों एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपने करना इतना है, जो आपका ऑयल इनलेट होता है दोस्तों उसको आपको खोलना है। खोलने के बाद में आपने लगा देना है ये इसका पाइप। तो ये पाइप है इसका और ये स्क्रूज है, आपको स्क्रूज को वहां पे टाइट कर देना है। और जैसे कि आपके इंजन के अंदर बनने वाली गर्मी होगी, इस पाइप के थ्रू होते हुए यहाँ से बाहर आ जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से इंजन के अंदर कुछ चले जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि इसका जो आगे देख रहे हो आप प्रोटेक्शन लगी हुई है। और ये अपना इंजन के कहीं पर भी आसपास लगा दीजिए या आप साइलेंसर के पास में लगा दीजिए। काफी लोगों को दिमाग में ये आ रहा होगा ये साइलेंसर है, तो भाई आप साइलेंसर नहीं है, ये एक ऑयल कूलर है जो आपके ऑयल को ठंडा करता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो और लगाते हैं। अपनी एक्टिवा के अंदर लगाऊंगा और सेम प्रोसेस रहेगा दूसरी बाइक के अंदर। ऊपर का आपने इनलेट ढक्कन खोलना है, ढक्कन खोलने के बाद में ये आपको पाइप को लगा देना है। और इसकी जो चूड़ीज है, जो इसकी थ्रेड्स हैं दोस्तों, वो सबकी बराबर ही है ऑलमोस्ट। तो चलो करते हैं शुरू। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोखान चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले व्लॉग देखने के लिए। दोस्तों ये जो अपना ऑयल गेज है हमने इसको खोलना है, इसको इस तरीके से खोल लीजिए। अगर आपका टाइट हो रहा होगा तो आप प्लास से खोल लेना। ये देखो ये इसका ऑयल गेज है। गाइस हमने करना इतना है, ये जो इसका स्क्रू है हमने इसको इसमें लगा देना है। सेम थ्रेड्स हैं दोस्तों इसकी, और अपना जो गेज है जो आप देख पा रहे हो ये इसके अंदर टाइट हो गया। अब हम इस सिस्टम को क्या करेंगे, अब हम इस सिस्टम को ये इधर लगा देंगे। ये जस्ट इस तरीके से मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर ये किस तरीके से लगेगा। इसके लिए हमने साइलेंसर गार्ड है, ये खोलना है स्क्रू वाला और एक स्क्रू वाला। तो इस स्क्रू को खोलते हैं हम 10mm की टी से हम खोलेंगे इसको। एंड गाइस हमारा जो कवर है साइलेंसर वो खुल चुका है। अब हमने ये अपना रेडिएटर को लेना है, इसको यहाँ पे लगा देना है। जो स्क्रू हमारा निकला था इसमें से, अब हमने उसी को यहाँ लगा देना है। अब ये थोड़ी एक्स्ट्रा पाइप हो रही है तो इसको हम क्या करेंगे, कट करके हम इतना यहाँ पे लगा देंगे इसको थोड़ा इधर की तरफ से। एंड इसकी पाइप की लंबाई तो काफ़ी ज़्यादा थी, अब मैंने क्या करा इसको यहाँ से बाहर निकालने के बाद में अब यहाँ से मैं काट दूँगा। हमारा सब कुछ काम हो गया, ये देखिए हमारा रेडिएटर भी लग गया, अच्छे से टाइट हो चुका है, पाइप भी लग चुका है, और ये भी देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है और इसके अंदर ये लग गया है। अब चलते हैं इसको टेस्ट करके देखते हैं कि इस ये वर्क किस तरीके से कर रहा है। गाइस अपना स्कूटर जो स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि साउंड में कोई चेंजेस नहीं आया। आप सोच रहे होंगे कि साउंड वगैरह के नहीं है कुछ, ऐसा ये सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ अपना जो इंजन की गर्मी होगी वहाँ यहाँ से होते हुए बाहर निकलेगी। इसको ये इसका आउटपुट है, यहाँ से इसका जितनी भी गर्मी होगी हमारी वो बाहर निकलेगी। अगर मैं आपको एक्सीलेटर लेके दिखाऊं अपने स्कूटर्स का तो देखिए तभी भी इसके अंदर कोई एक्सटर्नल साउंड है वो नहीं आएगा।
देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से मैंने अपने स्कूटर्स के अंदर ये आसानी से लगा दिया। तो दोस्तों आपने देखा होगा तो दूसरी बाइक्स होती हैं उसके अंदर ऑयल कूलेंट सिस्टम होता है, तो उसका ऑयल कूलेंट सिस्टम काम करता है, हमारा जो इंजन के हेड सिलेंडर होता है वहां पर वो काम करता है, ताकि जो गर्मी है उसकी टेम्परेचर कम कर दे। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका जो हेड सिलेंडर है वो खराब हो सकता है। एंड गाइज अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो 650 रुपये में आपको टेक्नोखान स्टोर्स के अंदर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और जाइए अपने स्टोर्स को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं उसके अंदर हर दूसरे दिन कोई नए नए प्रोडक्ट ऐड करता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आप हमारी सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो पा सको।